ऑपरेशन में 6 तारीख को जो स्टार्ट हुआ, जो कंक्लूड जो है वो 7 तारीख को हुआ। ये दोनों टेररिस्ट मारे गए। जहां तक इनका जो है इन्वॉल्वमेंट है, जो आदिल जो मैंने पहले आपको कहा कि एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये कुछ काफी जो है वो केस एफआईआर में पुलिस स्टेशन में इन्वॉल्व था, जिसमें पुलिस स्टेशन शुपिया और पुलिस स्टेशन इमाम साहब शामिल है। जहां तक दूसरे एनकाउंटर का सवाल है, जो कि मैंने आपको बताया कि चीनी गांव फिसल का इलाका है, यारीपोरा की हदूद में है पुलिस स्टेशन में, वहां पे भी ये एनकाउंटर जो है ऑन स्पेसिफिक जो है वो इंफॉर्मेशन के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ, और यहां पे 4 जो है वो टेररिस्ट जो है मारे गए। इनमें जो नाम जो है, जिसमें यावर बशीर डार जो है, जो एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये रहने वाला उसी इलाके का था। दूसरा जो है इसमें जो है वो जो मारे गए दूसरे तौहीद अहमद राथर और शकील अहमद वानी और जो है वो जाहिद अहमद डार जो है, ये ऑपरेशन जो है वो कल कंक्लूड हुआ। तो ये जो है वो आपको जो है इस एनकाउंटर के इन दोनों में जो है वो एफआईआर रजिस्टर हुआ है। पहले एनकाउंटर में जो है वो एफआईआर 100/2024 पुलिस स्टेशन जो है वो कुलगाम में जो है रजिस्टर हुआ, दूसरे में जो है वो एफआईआर 53/2024 जो है वो पुलिस स्टेशन यारीपुरा में है। इस एनकाउंटर में काफ़ी मिकदार में जो है वो असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर हुआ, जिसकी डिटेल जो है अभी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कि इन दोनों जगहों पे जो है वो टेररिस्ट ने जो है वो हाइड आउट बनाई हुई थी। पहला जो घर था वो जो है वो यावर अली डार का घर था, तो वहां पे एक हाइड थी घर में, जहां पे जिस हाइड का जो है वो टेररिस्ट कई महीनों से उसका इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से चीनी गांव भी एक जो है वो हाइड के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। जो ये जो है चीनी गांव का जो इलाका है, उसमें एक मुश्ताक अहमद भट्ट है, अकबर अली का बेटा, उसने जो है वो एक मेसन का काम करता है, जिसने अपने घर में एक कंक्रीट और बड़ी सोफिस्टिकेटेड जो है वो हाइड बनाई हुई थी, जिसमें जो है इनको जो है वो पनाह और कई महीनों से वो इसकी जो है वो इस हाइड का इस्तेमाल करते थे।